इन नालायक लोगों को आप देख रहे हैं, इन नालायकों ने देश के धरोहरों के साथ कितना खिलवाड़ किया। यार नाम लिखने से थोड़े कुछ होता है, हैं? अभी हम आए हैं सोन भंडार में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे शायद बिंबिसार ने या अजात शत्रु ने इस गुफा में स्वर्ण का भंडार छुपा कर रखा हुआ है। नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ये मैं डर गया था काफ़ी इस बंदर को देख के। ये उसको लगा कुछ खाने वाली चीज़ है, लेकिन खाने वाली कुछ चीज़ थी नहीं। और वो बैग था, ये इसका आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये ईंटे हैं और ये गुफा के अंदर का सीन है। ये गुफा, हाँ जी हाँ जी, क्या कुछ जानकारी लेंगे बताऊं? बताइए। मीडिया को मैं आप सभी का स्वागत है। यहाँ देखिए सर, एक दरवाजे का निशान है। यह दरवाजा बहुत प्राचीन जमाने से बंद है और ऐसा माइथोलॉजी दंत कथा अफवाह है। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा दंत कथा है कि इस दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा है। लेकिन मीडिया महोदय, इस जगह का नाम है सोन भंडार और जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं आँख मुंड के समझ जाते हैं सोने का भंडार। ये सब बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन में सुरंग और भंडार में सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक सतपर्णी गुफा, रोहणिया चोट की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से इस दरवाजा का संबंध है। जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण लिए तो 3 महीने के बाद उसी सतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि सत्कीर्ति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी इसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्रपिटक, विनयपिटक, अभिधम्मपिटक, जिससे बना त्रिपिटक। तो माइथोलॉजी है, अफवाह है, इसके पीछे खजाने का रहस्य है। वो कैसे? आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजात शत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु थे जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वो सारा धन दौलत खजाना इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तपस्या तंत्र मंत्र विद्या के बल पे इस दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राजा है मीडिया महोदय, सामने वाला चंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं श्रीमान, दीवार में तोप का दाग लगा के रह गया। इसी बीच हमारे भारत के वैज्ञानिक लोग गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज को चेतावनी दी कि इसे डायनामाइट से उड़ा कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है विस्फोट हो जाए, आग लग जाए, ज्वालामुखी बने। इसलिए किसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकला। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर जा रहा है, विषैली पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के कुछ दूरी का नष्ट होने की उम्मीद है, इसलिए से तोड़ा नहीं गया। इस दरवाजा का संकेत यहाँ पे मंत्र लिपि आई, देखिए यही वह मंत्र लिपि है। आज इसी मंत्र लिपि के टीवी चैनल पर प्रचार चल रहा है। इस लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेंगे।
इस लिपि का नाम है संत लिपि भाषा, जो कि भारतवर्ष में एक जगह लिपि मिली, आज तक तो कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। जस्ट लाइक अली बाबा चालीस चोर फुल सिम से बंद सिम से उसी तरीका का कोड वर्ड कोड शब्द कोड लिपि है। ये लिपि की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जहाँ तीन बड़ी लाइब्रेरी थी, इन लाइब्रेरी में आग लग गई, छः महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में संत लिपि का पुस्तक था, चल करके नष्ट हो गया, पूरे संसार में लेकिन पढ़ाई हो पाई। अब इस दीवार में एक चित्र देखें, ये चित्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन प्रतिमा है, बड़ी धर्मचक्र लाइन। यहाँ जो गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ से 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिली, ऊपर में आदिनाथ की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार नालंदा म्यूजियम रखे। अब चलिए बगल वाले को इन नालायक लोगों को आप देख रहे हैं, इन नालायकों ने देश के धरोहरों के साथ कितना खिलवाड़ किया है। कोई अपना नाम लिखा है या कोई अपना नाम लिखा है, यार नाम लिखने से थोड़े कुछ होता है, हैं? नाम खुदवा देने से, बोर्ड लगवा देने से सब कुछ थोड़े हो जाएगा। तुमको उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना बस, और तुम काम कर नहीं रहे हो, केवल नाम खुदवाने के चक्कर में लगे हो, तो नाम ऐसे थोड़े आता है। चढ़ने को तो चढ़ गए, उतरने में काफ़ी प्रॉब्लम। और अभी जो हम शूट कर रहे हैं वो मोबाइल से कर रहे हैं, गोप्रो से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल नहीं गिरेगा, और गोप्रो गिर सकता है क्योंकि इसमें डंडा है। तो काफ़ी मज़ेदार जर्नी रहा सोन भंडार का, मज़े ही मज़े हैं, क्या कहने इसके। टेक्नोलॉजी को फॉलो करें फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं भारतीय इतिहास को देखना, तो द इंडोलॉजी को फॉलो करना नहीं भूलें, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि भारत की दबी हुई संस्कृति एवं इतिहास को बाहर लाया जा सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।